पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके स्थित मुजफ्फराबाद के प्रेस क्लब पर पुलिस की छापेमारी के खिलाफ बुधवार को पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। न्यूज एजेंसी के अनुसार पत्रकारों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों का कहना था कि प्रेस क्लब पर पुलिस का हमला स्वीकार नहीं है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल अलायंस JKPNA पार्टी ने प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता की थी। पार्टी ने पाकिस्तान उच्च आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा भी की। इसी प्रेस वार्ता को रोकने के लिए पुलिस ने प्रेस क्लब पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई पत्रकारों से मारपीट भी की थी। इसमें कुछ पत्रकार जख्मी हो गए थे। आक्रमण दिवस के विरोध वाले दिन हुई छापेमारी। पुलिस की छापेमारी एक ऐसे दिन हुई जब लोग पीओके के आक्रमण दिवस की 72वीं वर्षगांठ का विरोध करते हुए काला दिवस मना रहे थे। 1947 में इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने पीओके पर कब्जा किया था। सरकार विरोधी प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे। भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया था। पुलिस कार्यवाही में दो लोगों की जान गई थी। काला दिवस के रूप में शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे लोगों पर की गई पुलिस कार्यवाही में दो नागरिकों की मौत हो गई थी, साथ ही 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस रैली का आयोजन स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों के संगठन ऑयल इंडिपेंडेंट पार्टी अलायंस AIPA ने किया था। इसका मकसद पीओके के लोगों की आजादी की मांग करना था।